ये नागपुर के राजा भोसले का देखिए महल है। ये राजा पेशवा ने बनाया था, बाला बाजीराव पेशवा। ये सन 1807 में बना था। ये जो मंदिर देखिए आगे भी है उनका, जो महल पेशवा का, और वो ये गणेश जी का मंदिर उन्होंने बनवाया था। गणेश दोनों एक ही साथ बना था। ये देखिए गंगा महल, गंगा महल में सर कहा जाता है कि इसमें 365 जो कि रूम है। यह है सिंधिया घाट, रानी सिंधिया। जो लोग मुर्दे वगैरह जलाते हैं यहाँ आके स्नान करते हैं। विश्व के नाथ जब यहाँ पे वास किए हैं काशी में, ऐसे कहा था जब माँ गंगा यहाँ पे आई है, उत्तर वाहिनी हुई है सर, जब लोग यहाँ स्नान करने लगे, अपने पापों से मोक्ष पाने लगे, पापों का नाश होने लगा, तो ये स्वयं कैलाशपुरी है सर। ये सोचिए, ये कैलाशपुरी है, शिवनगरी है। और जब यहाँ लोग पापों को मोक्ष पाने लगे तो सर इनका नाम पड़ा है यहाँ पे पापनाशिनी, पापनाशी, इसे पापनाशी के नाम से लोग जानते हैं। और ये कैलाशपुरी से जैसे कहते हैं काशी, पापनाशी। ये मातृ मंदिर है सर। मां ने अपने बेटे से बोली थी कि बेटा जब मैं मर जाऊंगी तब तू काशी जाना और एक शिव का मंदिर बनवा देना, तो मैं समझूंगी तू मेरे दूध के कर्ज से मुक्त हो गया। मगर माँ मरी नहीं थी तभी बेटा यहाँ आया घूमने के लिए काशी, और एक शिव का मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवा कर घर जाके बोलता है कि माँ मैं तेरे दूध के कर्ज से मुक्त हो गया। ऊपर में देखिए सर है चक्र पुष्पिणी कुंड, मणिकर्णिका जिनको स्नान करना होता है यहाँ पे स्नान करते हैं सर। यह है सर मणिकर्णिका, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी ने स्नान किया था। जब भगवान शिव को ब्रह्म हत्या लगा था, उन्होंने ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए यहाँ पंचकोश यात्रा किया और यहाँ पे माता पार्वती के साथ स्नान किए थे। इस अनादि तीर्थ पे जहाँ स्नान करते वक्त शिव जी के सर का मणि और माता के कान का कुंडल पड़ी गिरा। शिव जी के सर का मणि और माता पार्वती के कान का कुंडल पड़ी, जिनने से जब यहाँ शिव जी ने बहुत ढूंढा, जब वो नहीं मिला तो उन्होंने अनादिदेव को श्राप दिया सर यहाँ से कि हे अनादिदेव, आपने मेरा मणि और कुंडल चोरी किया, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज तो मैंने यहाँ स्नान किया, आज के बाद यहाँ कोई दूसरा स्नान नहीं करेगा, यहाँ 24 घंटे मुर्दे जलेंगे। तो सर यहाँ पे अनादिदेव प्रकट हुए और बोले, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कीजिए। कहा गया है सर कि जिस तीर्थ पे कोई स्नान नहीं करता है उस तीर्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। तो सर यहाँ जो शिव जी से उन्होंने क्षमा याचना किया है तो शिव जी प्रसन्न होकर बोले हैं सर, ये है अनादिदेव जो मैंने श्राप दिया है, यहाँ कोई स्नान नहीं करेगा तो कोई स्नान नहीं करेगा, यहाँ 24 घंटे मुर्दे जलेंगे तो जलेंगे, मगर यहीं की राख मेरे मस्तक को लगेगी जिसे सारा हिंदुस्तान लगाएगा। जैसे आपने मंदिर गए थे सर, जो ये भस्मी लगती है डेड बॉडी के राख होती है सर, मीन चिड़िया सब बैठा हुआ बहुत। ओ, 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 वही उदासीन के लिए साधु सन्यासी लोग रहते हैं, उनके लिए खुशियाँ कहाँ, उदासीन है।
चलिए आइए 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 चलिए आइए, लेट होगा तो आप थोड़ा मैं आपको काशी के बारे में कुछ बताना। देखिए सर, मैं आपको घाट के बारे में पूरी नॉलेज देने जा रहा हूँ, जो कि ये काशी का बहुत प्रसिद्ध घाट है और इन्हीं सबको देखने के लिए यहाँ लोग ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं। ये है सर, देखिए राजा मान सिंह का महल, मान मंदिर घाट, जयपुर। इसमें जो कि सर जंतर मंतर म्यूजियम और सामान जैसे जयपुर में है सेम उसमें भी है सर। आज भी कुछ टिकट लगता है वन मेंबर का इसको देखने का। और ये है सर, देखिए इस घाट को ऐसा है घोड़ा घाट के भी नाम से जाना जाता है, जहाँ पे राजा दशरथ से 10 बार विजय घोड़ा छोड़ा था। ये है सर, देखिए प्राचीन दशा सुमेध, जहाँ पे राम के पिता राजा दशरथ ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे सर, ये दशा सुमेध। यहीं पे गंगा आरती भी होता है सर शाम को 6:30 बजे। इसी जगह सर राजा दशरथ ने दशा अश्वमेध, जहाँ लोग स्नान करते हैं उस जगह को, चाहे नदी हो तालाब हो पोखरा हो, जगह को काटने करती है। यहाँ आप स्नान करेंगे गाँव में पूजा करने के लिए घाट का स्नान करेंगे, कहा जाता है। देखिए सर, कहते हैं कि जो गंगा का मान्यता काशी में है वो तीनों लोक में कहीं नहीं है। तीन गंगा है सर, स्वर्ग गंगा, पाताल गंगा, ये लोक गंगा। मात्र काशी में माँ गंगा ये उत्तर वाहिनी है, जो इसमें गंगा स्नान करने से शरीर का सारा दोष दूर हो जाता है। मुख में गंगा जल डालने से आत्मा पवित्र हो जाती है और श्री चंटू मणिकर्णिका ये पंचकोश यात्रा करने से ये यहाँ पे शिव का वरदान है। तो जो आप लोग कर रहे हैं ये कोई बोटिंग या साइड से नहीं है, ये एक महान यात्रा है, पंचकोश यात्रा, जिसे स्वयं भगवान राम ने माता सीता के साथ किया था और भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ किया था, जब भगवान शिव को ब्रह्म हत्या लगा था। ये है सर, ये प्रयाग घाट है सर, वो घोरित प्रयाग घाट। यहाँ स्नान करने से सर जैसे जो अलाहाबाद माघ का मेला लगता है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो अलाहाबाद नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ स्नान करते हैं, भुवनेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं, तो वही फल प्राप्त होता है। इस घाट को भी दशा सुमेध घाट कहते हैं सर। देखिए दशा सुमेध घाट है, बगल में ये शीतला माता का मंदिर है, शीतला धाम। ये बड़ी शीतला माता का मंदिर है, जिनका शादी होता है पहले यहाँ आकर दर्शन करते हैं और गंगा माँ को इस पार से उस पार तक का माला चढ़ाते हैं फूलों का, और अपने अपने घर को तब जाते हैं। कोई फूलों को चढ़ाता है, कोई साड़ी का माला चढ़ाता है, तो जैसी जिसकी मन्नत हो, कोई कच्ची बाजी का माला चढ़ाता है उसमें फूल लगवा कर। आप सुने होंगे भैया, आप तो जानते हैं, कहीं दूर के नहीं है। इस घाट को शीतला का मंदिर। और ये है सर, देखिए अहिल्याबाई, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि काशी विश्वनाथ को, जो ये ज्योतिर्लिंग है सर, ये काशी विश्वनाथ को अहिल्याबाई होलकर ने नर्मदा नदी से उठा कर लाए थे और पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने 900 किलो सोना दान में दिया था सर, जो आज पूरी विश्वनाथ के मंदिर सोने की है। देखिए ये है सर ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर, इनको नमस्कार कीजिए। थोड़ा आप लोग जल छिड़क लीजिए, जल मुख में डाल लीजिए। माँ जी कहा गया, लोग काशी काशी नाम सुनते हैं, काशी क्या है यह कोई नहीं जानता है। ये काशी जो है, आप जानते हैं कि ये पृथ्वी का 10वां खंड है, जो राजा हरिचंद ने जब विश्वामित्र को स्वप्न में दान में दे दिया था, तो उन्होंने विश्वामित्र पृथ्वी के 9 खंड के राजा राजा हरिचंद थे, पृथ्वी का 10वां खंड ये काशी है, 9 खंड दे दिए, तो विश्वामित्र से बोले हैं ये राजा हरिचंद।
और सारी संपत्ति मैं आपको दान में दे चुका हूँ स्वप्न में, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि हे राजन, आपने तो स्वप्न में दान दिया है, सभा में दान दीजिए तो मैं मानूंगा कि नहीं आपने हमें दान दिया है। ये है सर, देखिए यहाँ पे सारे 17,000 मेंबर काम करते हैं हमारे, जो सिल्क आपको मार्केट में 650 का मिलता है वो सिल्क यहाँ पे आपको जैसे 400-350 इस तरह का मिलता है। बिल्कुल साड़ी हाँ, बना के नाव पे बैठा हुआ है प्राणी भगवान राम और माता सीता की तरह है, शिव और पार्वती। देखिए कहा गया है कि हम केवट हैं, हमारे मन में क्या कपट क्या छल, जो है तो हमारा ये कर्म है, यही नाव है, यही हमारी रोजी है, रोटी है, धंधा है, बिजनेस है, जो कुछ है सब यही है। इसी के माध्यम से हम लोग अपनी पूरी फैमिली को जो कि जीवित रखते हैं, और कोई हम लोग की कोई बहुत बड़ी बिजनेस नहीं है हमारी, लेकिन हाँ सच्चाई है हम लोग के पास, विश्वास है। ये है देखिए दीपपतिया का, बंगाल रानी दीपपतिया, श्री सीताराम दास ओंकारनाथ आश्रम, ये विधवा आश्रम है। ये पे वाटर पिक्चर पे जो कि बैड लगा था मेहता जो बारमूला कराई थी, वो आपको मालूम होगा कल्याण में, जहाँ जो कि कहा गया सर जगत के स्वामी रहते हैं। ये आनंद वन है सर, ये तरह तरह के देवता गढ़ है, यहाँ 33 करोड़ देवता बात करते हैं काशी में, इसीलिए कहते हैं एक बार काशी का यात्रा कर देता है तो भारतवर्ष की यात्रा करने का आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे ये तीर्थ स्थल है ये काशी विश्वनाथ है, विश्व के में वैसे हमारे काशी में मुसलमान धर्म में सबसे बड़ा धर्म माना गया है मक्का, और हिंदू में सबसे बड़ा है काशी। और साक्ष से लग रहा है थोड़ा बहुत तो सीता राम तेरी गंगा मैली होगी पापियों के पास हमें थी, वो हीरोइन का नाम मंदाकिनी। ये है माँ जी छिमेश्वर घाट, छिमेश्वर महादेव जी का मंदिर। कहा गया है कि इंसान से कोई अनजान में भूल हो जाती है, यहाँ क्षमा मांगने से वो बहुत दूर हो जाता है। ऊपर में कुमार स्वामी हुए कांगड़ा आश्रम, इन्हें प्रणाम कीजिए मुझे, क्योंकि माँ जी उस दिन देखने के लिए पूरी काशी को माँ जी दुल्हन की तरह सजाया जाता है दीपों से। आप क्यों ऐसा नहीं जमा लो, क्यों ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वोट में कोई डर नहीं है, कार्य होता है, ये हमारी कांच की विधि कार्य है।